आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है डेली लेक्चर्स जब आ रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मेरे सामने खुला है बेसिकली इट्स नॉट एन आर्टिकल इट्स अ इंटरव्यू इट्स एन इंटरव्यू सो इट्स एन इंटरव्यू गिवन बाई एक्सपर्ट एंड ही इज एक्सप्लेनिंग कि वाई जो मुस्लिम हैं मुस्लिम वोटर्स हैं वॉट वी गेट रॉन्ग अबाउट दम एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो आपको इस सुनना चाहिए इसको शेयर करिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कोई भी कम्यूनिटी हो उसका ऊपर आना जरूरी है जब आप हिंदू मुस्लिम ये कास्ट ये सब करने लग जाते हो ना तो फिर दिक्कत है एक डेवलप्ड देश जो है या एक जो बहुत ही समृद्ध देश है वो सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है जैनी इतने ज़्यादा क्यों अमीर होते हैं क्योंकि अनेकांत बात में उनकी कोर फी की भाई ठीक है तुम जो धर्म मान रहे हो तुम्हारा है आप पैसे पैसे या फिर बिजनेस बड़ा बनाने के बारे में सोचते हैं अरब मुल्कों में भी यही आप देखते हो उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनको बस ये फर्क पड़ता है कि तुम हमारे यहां हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी इकोनॉमी डेवलप करो पैसा हम तुमको देंगे अमेरिका में भी यही कल मैंने लेक्चर लिया था ना आई होप आपने देखा होगा जरूर देखिएगा जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत है उसमें दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज है सब भारतीय इंजीनियर्स एवरी एव एक्सेंचर में आधे से ज्यादा भारतीय है वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते वो लेक्चर कल देखिएगा कल ही वो अपलोड हुआ है ठीक है तो आज हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है जो हम समझते हैं वो है नहीं तो जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो काफी कम है आपको पता है कि बहुत सारी पार्टीज या तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को लगाती नहीं है या दे डोंट स्पीक ऑफ द कम्युनिटी उस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादातर देखो भाई पॉलिटिक्स इस वोट बैंक पे काम करती है तो अब अगर मान लो कि ये कोई इस्लामिक देश होता या हम कहीं ईरान में होते इराक में होते और वहाँ पर डेमोक्रेसी होती वैसे ज़्यादातर इस्लामिक देशों में डेमोक्रेसी है नहीं तो तब क्या होता कि तब बात होती मुस्लिम्स की क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक है तो वोट बैंक पे बात होती है भाई ठीक है तो यहां पे जिस स्टेट में जो भी मेजोरिटी होगा टारगेट उसी को किया जाएगा वोट की अपील तो आप उसी से ही करोगे ठीक है तो कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम्स के बारे में बोलते हैं अभी उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि जब भी मैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दूंगा ना मैं अपना दायित्व खो दूंगा जो कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी लेकिन कुछ जगह पे वो ऐसी भी स्पीचेस देते हैं जो थोड़ी बहुत कम्युनल कैटेगरी में आ सकती है और ये बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स के साथ भी है जैसे असदुद्दीन ओवैसी उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि बहुत सारी ऐसी कई बार स्पीचेज देते हैं जो सही नहीं होती है तो हिलाल अहमद की किताब आई है और हिलाल अहमद हमको ये समझा रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सी एस डी एस एस सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ की जो लो नंबर ऑफ मुस्लिम एमपी है उनको मुस्लिम्स वो फर्क नहीं पड़ता दे डोंट दे वरी मुस्लिम वोटर्स आप समझ सकते हो तो बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट था तो मैं आपको बताता हूं और बहुत सारी इन्होंने बताई तो पहला सवाल जो इनसे पूछा गया वो ये था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में 1950s के बाद से आजादी के बाद से इस समय सबसे लोएस्ट है ठीक है तो चैलेंजेस क्या है मुस्लिम कम्युनिटी के तो अब यहां पे ये यह जवाब देते हैं कि देखिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ठीक है आपको समझना पड़ेगा लोकसभा विधानसभा में हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है विधानसभा लोकसभा का एक ही वोटर आई कार्ड होता है और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो मेन प्लेयर्स होते हैं ठीक है अब ये राज्यसभा और विधान परिषद के साथ चीजें नहीं है क्योंकि वहां पे नॉमिनेट किया जाता है तो जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वहां पे ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जो पॉलिटिकल चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो इतने टिकट्स देती ही नहीं है मैं क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि uh, मैंने क्या बताया आपको वोट चाहिए दैट्स इट क्योंकि दिस इज द कॉम्पिटिशन यू नो सो एक एजम्शन ये है कि अगर चांसेस दिया जाए तो मुस्लिम्स इवेंशअली लीड मुस्लिम्स सियासी मुस्लिम इन्होंने किताब लिखी है तो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम को ही लीड करेगा अब इन्होंने बहुत चौंकाने वाली बात कही आगे देखिए हम जो सर्वे करता सी आपको पता है सी एस डी एस लोक नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे करवाते हैं ठीक है ना तो बहुत कोर मेंबर है हिलाल अहमद इसके तो बताते हैं कि देखिए ये एजेंशन इट्स नॉट ट्रू ये सही नहीं है गुरु गलत हुआ क्योंकि मुस्लिम से जो है अगर उनको चांस भी मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम एमपी और एमएलए को वोट करेंगे देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूं माओ जदोंग चाइनीज थे और उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन में लोगों को मार मार के हालत खराब कर दी थी खत्म कर दिया था सबको तो चाइना वाले अगर डेमोक्रेसी आए आती उस समय तो हो सकता है वो माओ जदोंग को वोट ना करते मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे मैंने पता नहीं क्यों माओ जदों का रेफरेंस दिया लेकिन एक्चुअली मैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज देख रहा हूँ और उसमें पहले ही सीन कल्चरल रेवोल्यूशन से शुरू होता है मेरी मैंने काफ़ी कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो बड़ा ही डार्क पीरियड था तो मेरा कहने का मतलब यह है एक मिनट जरा कि यहां पे बात है कि आपका डेवलपमेंट कौन करेगा बात है कि आपको हम इसी में ही फंस जाते हैं कि आपको रोटी कौन देगा आपको इंप्लॉयमेंट कौन देगा मुस्लिम्स ने साफ साफ यह बोला कि देखिए लीडरशिप हमारा इशू है ही नहीं लैक ऑफ लीडरशिप इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू हमारे इशू को कोई भी सॉल्व कर दे अब आपको जान के हैरानी होगी कि बीजेपी को आ, लेकिन ये बात सच है कि इस सरकार ये जो सरकार है सबसे ज्यादा फायदा माइनॉरिटीज़ को पहुंचा है आप देख लीजिए ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये डेटाज अवेलेबल है यू कैन सी दैट तो अब बात है कि क्या मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल वे है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्योंकि कभी भी प्रॉपर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो नहीं, नहीं सकता है ना फिर तो एक मुस्लिम, पूरी मुस्लिम पार्टी बनानी पड़ेगी होनी चाहिए कि जब पार्टी कोई कैंडिडेट को, को डिक्लेयर करती है हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस देखना चाहिए कि पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसा है तब जाके हमको पता चलेगा ना एग्जाम्पल के तौर पर कि कल को नरेंद्र मोदी बोल दे कि तुम, तुम 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 ही बनोगे बाकी अरे सर हम इतने समय से नहीं नहीं कुछ नहीं जो मैंने बोल दिया ऐसा तो है नहीं बाकायदा पार्टी में वोटिंग होती है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है आप समझ सकते हो तो मेन मुद्दा ये है कि लैक ऑफ लीडरशिप छोड़ दीजिए कि अगर कोई जहां लग रहा है भाई पार्टी कोई हारना नहीं चाहेगी अगर किसी पार्टी को लगता है कि पर्टिकुलर जगह पे मुस्लिम एमपी को लगाना चाहिए एमएलए को लगाना चाहिए उसका होल्ड है तो वो लगाएंगे और जहां पे उनको नहीं लगता वो नहीं लगाते तो इंक्लूसिवनेस जो है वो फ्री free और फेयर रेगुलर इंटरनल पार्टी इलेक्शन होने चाहिए इसी से आप इंश्योर करेंगे ठीक है कि लगातार आप इलेक्शन करवाते रहें और अभी ये है नहीं ठीक है और इसीलिए मुस्लिम्स को टिकट्स नहीं मिलते हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने पे क्योंकि पे मेन चीज है कि पार्टी में क्योंकि कम इलेक्शंस हो रहे हैं और वही उसी पुरानी चीज़ों पे ही चीज़ें चल रही है तो यू नो इट्स डिफिकल्ट फॉर मुस्लिम्स टू टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस स्पेशली मतलब टू टू गिव देम रिप्रेजेंटेशंस अब उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी चेंज हो गया है अभी देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि हिंदुत्व में बीजेपी आई है और ये हम सबको पता है तो ये अभी डोमिनेंट नरेटिव है दिस इज द दॉमिनेट नरेटिव राइट नाउ तो इसीलिए अभी थोड़ा हेजिटेशन है कि मुस्लिम लीड्स जो भी मुस्लिम को चाहिए उनको रिकॉग्नाइज करें कि ना करें अगला सवाल पूछा है कि अभी सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या है अब ये देखिए यहां इन्होंने बहुत शानदार बात की है मतलब मैं तारीफ करना चाहूंगा इनकी और जो कि सच है जो कि सच है सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि भाई देखो बाबरी मस्जिद ज्ञान बापी मस्जिद पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन उर्दू एटसेट्रा फलाना धमाका दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट ये मुस्लिम्स का इंपॉर्टेंट इशू है लेकिन प्राइमरी इशू नहीं है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम हमने जो सर्वे किए हैं उसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है हमारी गरीबी है और जो प्राइस राइज हो रहा है ना जो लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है वो हमको उससे डर लगता है वो अगर कोई सॉल्व कर दे तो मजा आ जाए तो जो एक आम इंसान मैंने बताया ना सब के सब इंसान है जो एक आम इंसान चाहता है वही है आप समझ रहे हो फिर उसके बाद यहां पे बोला जाता है कि जैसे पसपंदा की यहां पे बात करते हैं ठीक है अब पसपंदा ग्रुप्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमको शेड्यूल कास्ट में लेके आओ देखिए धर्म के नाम पे मैंने अभी एक लेक्चर लिया था बहुत अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था तो उस पर मैंने एक बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था चार पांच दिन नहीं डेढ़ देड, दो डेढ़ दो हफ्ते हो गए उससे पहले अपलोड हुआ है आप डालिएगा मुस्लिम रिजर्वेशन स्टडी ग्लोस आपको मिल जाएगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्वेशन है वो कैसे दिया जाता है समझ रहे हो तो वो कास्ट पे दिया जाता है ना कि धर्म पे रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन कभी नहीं मिलता है ठीक है तो कास्ट की बातें तो कोई भी हो सकती है तो पसमंदा कहते हैं कि हमको शेड्यूल कास्ट में क्योंकि हम जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं अब यहां पे बोला जाता है इसे दूसरा अगला सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की जो स्पीचेस हुई हैं उसमें कभी वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं कभी वो नहीं करते हैं ठीक है ना इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छे से एड्रेस किया जाता है स्पीचेज़ में नहीं तो इस पर आपका क्या कहना है इस स्टेटमेंट पर तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्टोरल कैंपेन का पार्ट है जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी को इलेक्शन जीतना है तो दो तरीके के वोटर्स हैं या सपोर्ट सिस्टम है पार्टी के एक तो कन्वेंशनल बीजेपी सपोर्ट है ठीक है जो कि कुछ भी कर दो वो जी बीजेपी को ही वोट करेंगे जो कि आरएसएस से या एफिलिटेड ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और दूसरा जो है ये नए हैं ठीक है देखिए बीजेपी का स्टेब्लिशमेंट है इट इज़ फुली अवेयर कि उनका एक एक अलग सेगमेंट भी है है ना अब देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन भी 20 करोड़ के आसपास है हमारे यहाँ तो यू नो रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये समझना पड़ेगा शुरुआत में पार्टी थोड़ी रेस्टलेस थी कि हमको हिंदू इंटरेस्ट को सपोर्ट करना है लेकिन बाद में वो खुद भी बीजेपी को खुद भी पता है कि भाई हर किसी को हमको हर कि सबका साथ सबका विकास करना है वरना ऐसे काम चलेगा नहीं ठीक है तो जैसे डेवलपमेंट कैरेक्टर है नरेंद्र मोदी का तो उसके बेनिफिट सबको मिलेंगे चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसके बाद बोला गया है कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो एज अ ब्लॉक है और वो सिर्फ मुस्लिम लीडर्स के लिए ही है तब ये जवाब देते हैं कि देखिए हर इलेक्शन जो है वो कंस्टिट्यूंसी लेवल पे होता है ये बात बिल्कुल सही है और मैं भी आपको बोलता हूं कि देखिए इलेक्शन कभी एक लीडर के लिए मत लड़िए आप देखिए कि आपके एरिया में कौन विकास करेगा आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करें अपनी कंस्टिट्युंसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपको ये देखना है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी को कौन सॉल्व कौन सा वो लीडर है आपकी कंस्टिट्यूंसी में अगर किसी गुंडे को आपने लीडर बना दिया तो तो हो गया कम तो इसीलिए आप देखिए और यही बहुत जरूरी है कि आप जानिए आपके यहाँ इलेक्शन कौन लड़ रहा है अब वो किसी का भी हो चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो ठीक है चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो अगर वो काबिल है चाहे निर्दलीय क्यों ना हो आप उसी को वोट दें तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो कंस्टिट्युएंसी लेवल पे लड़ा जाता है और हर पार्टी और कैंडिडेट जो होता है वो अपना विनिंग कॉन्फिगरेशन पूरा पहले से सेट कर लेते हैं तो किसी भी सोशल ग्रुप के लिए ये इन हो जाता है अनबल हो जाता है कि ऑर्गेनाइज लेवल ले करें ठीक है तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ आइडिया जो वोट बैंक का आइडिया वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि ये इंप्रेशन देता है कि जो मुलिम्स है दे आर वेरी ऑर्गेनाइज एट द रीजनल लेवल रीजनल लेवल पे मुस्लिम्स को कोई रोक नहीं सकता है और नेशनल लेवल पे भी तो एक स्ट्रैटी है जो एक नेशनल लेवल पे फॉलो होती है जो कि बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम यूनाइटेड ऐसा कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे बोला गया है कि जो मुस्लिम है एक आर्गूमेंट देता है कि हमेशा हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बीजेपी को हराने के लिए बट बिल्कुल गलत है कि आठ से नौ बीजेपी को नेशनली वोट जाता है समझ रहे हो और बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं जो दलित ओबीसी मुस्लिम ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो मोबालाइज होते हैं बीजेपी को हराने के लिए लेकिन समझिए कि यहां पे बीजेपी को वोट भी जाता है और बीजेपी को नहीं भी जाता है समझ रहे हो बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज क्लूलेस हैं कि किस तरीके से वो मुस्लिम को डायरेक्टली एड्रेस करें तो इसीलिए वो किसी तरीके का रेफरेंस अभी नहीं देते हैं नॉन बीजेपी पार्टी उनका ये है कि जो मुस्लिम है वो बीजेपी को वोट ही नहीं करेंगे जो कि बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं है भाई मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी को वोट करते हैं इट इज बॉट ऑब्वियस लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी इट इज हेजिटेंट वो इस समय मुस्लिम्स की बात नहीं करती है क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ती जा रही है तो इसीलिए मुस्लिम का जो डिस्कोर्स है वो काफी ज्यादा सेक्युलराइज हो गया है अगर वोटर्स की बात करें उस कंटेक्स्ट में लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसको ऐसे नहीं देखती है ना उसके बाद सवाल पूछा गया है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको चिंता तो है है ना कि यू नो दे आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट बाकी कम्युनिटीज़ के द्वारा उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ये एक चिंता की बात है बट मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने रियलाइज किया है कि आ, उनको पता है कि वो कैसे उसको डील करना है जैसे सी के प्रोटेस्ट हुए जो तो मुस्लिम ने ये डिसाइड किया कि रिलीजियस आइडेंटिटी इस पर दे विल नॉट एसे रिलीजियस आइडेंटिटी टू डी विद इट राइट इक्वालिटी के प्रिंसिपल में हम जाएंगे मतलब जो संविधान कहता है हम रिलीजियस के बात पर नहीं करेंगे संविधान के हिसाब से हम जाएंगे क्योंकि संविधान हमको ये राइट देता है तो जो इक्वालिटी है ना कंसेप्ट है इक्वालिटी वो ज्यादा ताकतवर है अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें जो कि वो बिल्कुल सही कहते हैं लेकिन हाँ एक थोड़ी सी एंग्जाइटी है ठीक है क्योंकि उनको कभी कभी लगता है कि स्टेट जो है वो अनफेयर हो सकता है उनको लेके लेकिन बेस्ट uh, वे है कि इस टू एवॉड दोटेस्ट है ना बट दे वुड प्रिफर टू नॉट रिमेन साइलेंस वो अब देखिए मैं वही कहता हूं कि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं ना मान लीजिए कुछ हो रहा है गड़बड़ तो मुस्लिम लीडर्स को बिल्कुल सामने आना चाहिए कि वो उनको समझाएं कि ऐसा मत करो है ना क्योंकि आपको सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें समझनी होती है तो ऐसा नहीं और ये बताएं कि इससे करने से कुछ होगा नहीं ठीक है और ज़्यादा खराब चीज़ें हो जाएंगी तो ये बड़े बड़े लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम्स को समझाया जाए अब ये बताते हैं कि यू नो दे लुक एट द दकैनिज्म कि कैसे वो अपने वॉइस को रेस कर सकते हैं इक्वालिटी के लॉजिक को फिर उसके बाद इनसे सवाल पूछा गया कि आप अपनी किताब सियासी मुस्लिम में लिखते हैं कि कैसे मुस्लिम कांग्रेस के टॉप लेवल तक पहुंचे ठीक है ना लेकिन वो वो थे जो ब्रिटिश के तरीके दे आर नॉट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो वेस्टर्नाइज थे भाई मोहम्मद अली जिन्ना पूरे ब्रिटिशर थे वो कहाँ कुछ नहीं करते थे वो आप उनकी अगर बायोग्राफी को पढ़े तो मोहम्मद अली जिन्ना तो वो टोटली ब्रिटिशर थे यार उनको कुछ खास पसंद थोड़ी ना था वो तो अपने हिसाब से बस उनको एक अपॉर्चुनिटी लिखी तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देर सॉर्ट ऑफ अ पैरल बिटवीन देम एंड दैट सॉर्ट ऑफ गुड मुस्लिम ट्रूप दैट एग्जिस्ट प्रेजेंटली ठीक है कि जो पहले होता था वही आजकल पैरल उसको ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है तब यहाँ पे बोला कि इट्स नॉट अ गुड मुस्लिम बट राइट टाइप ऑफ मुस्लिम्स अच्छे मुस्लिम्स का क्या मतलब है सही तरीके के मुस्लिम्स का मतलब होता है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम ये यू नो बीजेपी के बाद से चला गया 2014 में ठीक है तो बीजेपी ने बोला है कि भाई देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम है जो कि राइट right है सही है जो है ना अब कुछ मुस्लिम से आर्ग्यू कहते हैं कि कुछ मतलब ये बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ये देश में रह रहे हैं वो हिंदुओं को उनको शुक्रिया बोलना चाहिए और एक तरीके से इंडियनाइज इस्लाम की बात होती है और मुस्लिम आइडेंटिटी को नहीं ज़्यादा थोपना चाहिए पॉलिटिकली ठीक है लेकिन हाँ ये बीजेपी आर की आइडियोलॉजी से मैच करती है ऐसा इनका बोलना है राइट right? लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू विल नॉट बी सीरियस द राइट काइंड ऑफ मुस्लिम जब तक आप ये नहीं करते हो बट द थिंग इज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे डोंट नीड कन्वेशनल गुड और लिबरल मुस्लिम्स राइट दे ऑल्सो डोंट नीड यूलिमा बिल्कुल सही बात बोली है उनको जरूरत ही नहीं है दे डोंट नीड इट वॉट दे नीड इज पावरफुल कैटेगरी राइट

खुश रहिए पढ़ते रहिए जैसे सिद्धांत नहीं होती साइनिंग ऑफ और हाँ क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो so मच